कहते हैं यूपी में एक से एक लोग रहते हैं, यकीन आए तो इस वीडियो को ही देख लीजिए। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग मीठे पानी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को कंधे पर उठा कर ले जा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही वन विभाग के कान खड़े हो गए, क्योंकि गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन का शिकार करना कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध है। दावों की माने तो कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के नासिरपुर गांव में यमुना नदी में मिली डॉल्फिन को मछुआरों ने शिकार कर अपना निवाला बना लिया। वारदात दो दिन पहले की बताई जा रही है। डॉल्फिन पकड़ने का एक फोटो वायरल होने पर वन विभाग को घटना की जानकारी मिली। वन विभाग के अधिकारियों ने जाँच के बाद वन संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज करवाया है। एक व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली थी कि जो है डॉल्फिन का कुछ लोगों के द्वारा शिकार किया गया है, जिसके संबंध में जो है हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से तहरीर भी दी है पिपरी थाने में, और वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। और जैसे ही FIR की कॉपी मिलती है हम उसकी सूचना आगे आपको देंगे। और वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये जो है विवेचना में स्पष्ट आएगा, क्योंकि जो लोग पकड़े जाएंगे फिर उसमें उनके बारे में पूछताछ में पता चलेगा, उनके बयान लिए जाएंगे। इसमें अभी केवल वीडियो में जो प्राप्त हुआ था कि वो ले जा रहे हैं, उसको शिकार की सूचना प्राप्त हुई थी। सर, शिकार के पीछे उनका कुछ उद्देश्य पता चला है? अभी तक इनका उद्देश्य नहीं पता चला है। स्थानीय लोगों ने जो वहाँ पर बताया है, तो मौके से अधिकांश लोग गायब हैं वहाँ पर और उनकी तलाश जारी है। जैसे ही पकड़े जाएंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी सामने आएगी। चैल रेंज के वन विभाग के अधिकारी ने पिपरी थाना पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि 22 जुलाई को सुबह नसीरपुर गांव के मछुआरे यमुना नदी में मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उनके जाल में डॉल्फिन फंसी। आरोपी उसका शिकार कर नदी से बाहर ले आए, जिसका वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। आरोप है कि यमुना नदी से मिली डॉल्फिन को आरोपी मछुआरों ने अपना निवाला बना लिया, जिसमें जांच के बाद पुलिस में तहरीर दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले पर कौशाम्बी के अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर ने बताया कि घटना थाना पिपरी क्षेत्र का है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग डॉल्फिन को ले जाते हुए दिख रहे थे। DFO की जांच में पता चला कि मछुआरे डॉल्फिन को मार कर खा गए हैं। DFO की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी चल रही है। थाना पिपरी क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग डॉल्फिन को ले जाते हुए दिख रहे हैं। बाद में शिकायत हुई कि इसको मार दिया गया है। इस पर DFO से जांच कराई गई। DFO ने उसकी जांच करके तहरीर देकर एक मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। शेष के खिलाफ जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, जो सत्यता होगी उस पर कार्रवाई करेगी। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।